नमस्कार, मैं सोनिका जुआल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको बता दें, आज थलीसेन ब्लॉक में बस स्टेशन से लेकर राजकीय महाविद्यालय तक इंटरलॉक टाइल सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस सड़क के लिए क्षेत्रवासियों द्वारा सालों से मांग उठाई जा रही थी, क्योंकि सड़क की हालत बहुत बुरी है। लोगों और वाहनों को आवाजाही करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अब आखिरकार इस सड़क के शिलान्यास का दिन आ ही गया। आपको बता दें, थलीसेन क्षेत्र के विधायक और उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर कैन्यूर ग्राम सभा की प्रधान विनीता नेगी, भाजपा के महामंत्री आनंद सिंह नेगी, महिला मंगल दल और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सड़क के लोकार्पण से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। बहुत खुशी है और बहुत सालों के बाद जो है कि थलीसेन में रोड बन रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात से। वहीं आपको बता दें, थलीसेन में हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी लोकार्पण किया गया। इस हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलने से क्षेत्रवासियों को काफी फायदा होगा। ग्राम प्रधान विनीता नेगी ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी और साथ ही इस सेंटर के बारे में बताया। क्षेत्रवासियों को तो मैं बधाई देना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने वर्षों से अटके इस रोड के बारे में सोचा और आज वो रोड का काम जो है हमारा पूर्ण हो चुका है। आज हेल्थ वेलनेस सेंटर से फ़ायदा हमें जैसे ये होने वाला है कि आइस बैग से रिलेटेड जो भी इलाज होता है, जैसे नेचुरोपैथी, योगा, पंचकर्मा, ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं शुरू। जैसे कि देखा गया है कि ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इन जगहों में लोग देश विदेश से लोग इलाज करने आते हैं। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में ये हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलने जा रहा है और यहां के लोगों को भी इसका फ़ायदा होने वाला है। आपको बता दें, विधायक धन सिंह रावत ने इस मौके पर कोरोना योद्धाओं जैसे आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं को सम्मानित भी किया और अपने अगले दौरे में वो हमारे बाकी कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिसकर्मी, एसडीएम, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और अन्य कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित करेंगे, जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनी बिना परवाह किए लोगों की सेवा की है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नीचे कमेंट में बताइए अपनी राय और बने रहे हमारे साथ।